तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स ने ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया है। किसका? कि भाई हम लोग कौन सी डेट को आ रहे हैं, यानी कि मेकर्स ने 15 अगस्त का एक मोशन पोस्टर रिलीज करके पूरे सोशल मीडिया पे एक तरीके से शॉकिंग मूवमेंट पैदा कर दिया है। यहां तक के जितने भी फैंस थे वो लोग भी यहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि अक्षय कुमार 15 अगस्त को ही आ रहे हैं। अब देखो, मूवी को रिलीज होने में एक महीना भी ढंग से नहीं बचा है, यानी कि आप समझ कर चलो जिस दिन ये मूवी आ रही है और उस दिन और भी मूवीज आ रही हैं। थंगलान आ रही है, थिस 3-2 आ रही है, इन दोनों के ट्रेलर तो मौजूदा आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। बात करते हैं इसकी वेदा की, वेदा भी तो आ रही है जॉन इब्राहिम की, उसका ट्रेलर अभी नहीं आया है, टीजर तो आ चुका है, बहुत ही जल्द हमें उसका भी ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बात करूं खेल खेल में मूवी की, दोस्तों इस मूवी से अक्षय कुमार के फैंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एंड यहाँ पे इसका जो रीमेक अगर किसी ने बनाया है तो मुझे नीचे कॉमेंट ज़रूर करना कि इसका ओरिजिनल कौन है जिसका ये रीमेक बना है, किसने बनाया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कौन सी लैंग्वेज में इसका ओरिजिनल पार्ट बना है, नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपने देखा हो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है। मैंने सरफिरा का रीमेक ओरिजिनल पार्ट देखा था, हाँ सूर्या का वो देखा था, क्योंकि मुझे पता था, इसका मुझे पता ही नहीं है कौन सा है, क्या नाम है। और भाई अगर देखो यहाँ पे अगर किसी को पता भी हो ना तो आप देखना मत, क्योंकि आप लोगों का ना मूवी देखने का मजा खराब हो जाएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि इस बार ये जो रीमेक है ये ओरिजिनल पार्ट से काफ़ी ज़्यादा चेंज रखा गया है, बहुत ज़्यादा चेंज रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर फरदीन खान है, तापसी पन्नू है, सीरियस एक्टर, एंड यहाँ पे अच्छा खासा मुझे लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यू भी मिली है इस मूवी को। बात करते हैं दोस्तों इसके टीजर की, टीजर कब आएगा। देखो यहाँ पे टीजर को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, 2-4 दिनों में 5 दिनों में आप लोगों को इसका टीजर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है। क्योंकि आपको लोगों को बता दूँ, टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार, उनके भाई की बेटी त्रिशा, आई थिंक सो त्रिशा ही नाम था, उनका देहांत हो चुका था मुंबई में, तो उसकी वजह से इसके अपडेट्स में टाइम लग रहा था। तो अभी वो चीज़ यहाँ पे जो है निमट चुकी है, अब ये लोग दोबारा से बैक टू वर्क यानी कि काम पर लौटे हैं, तो अब धीरे धीरे आप लोगों को इसके एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखो ट्रेलर की भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ट्रेलर भी लगभग लगभग देखो इस मंथ के लास्ट में यानी कि 31-30 तारीख के आसपास इसका ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी को रिलीज होने में महज सिर्फ 15 दिन ही बचेंगे, और इतने दिन पहले अगर इसका ट्रेलर ये लोग रिलीज करते हैं तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि और भी पहले रिलीज कर दें, यानी कि 2-4 दिन में अब इसका सीधा ट्रेलर ही रिलीज कर दें, टीजर को मारो गोली, सीधा ट्रेलर ही रिलीज करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर उसके बाद आप सॉन्ग वगैरह रिलीज करते रहना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 10 तारीख को इसकी एडवांस बुकिंग खोल के पब्लिक को यहाँ पे खुला छोड़ दो कि भाई कर लो जितनी करनी है एडवांस बुकिंग, क्योंकि 15 अगस्त को मैं आ रहा हूँ। फिर देखो अगस्त के बाद में इनकी 2 अक्टूबर को एक और मूवी का दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रही है, स्काई फोर्स, वो मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी हटके लग रही है। मुझे लगता है कि लास्ट में इस साल के लास्ट में अक्षय कुमार जितनी बार भी आने वाले हैं ना, वो एक ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में, अगर ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना सही लेकिन एक कंटेंट के साथ में उतरने वाले हैं जो कि यहाँ पे देखने लायक होगा। फिर नेक्स्ट ईयर तो देखो एक अलग ही हंगामा मचेगा, यानी कि वेलकम 3 से अक्षय कुमार, वेलकम 3 है वेलकम 4 है मुझे नहीं पता, वेलकम है लेकिन वेलकम 2 द जंगल है, उससे अक्षय कुमार दोबारा से बैकअप करने वाले हैं, यानी कि एक अच्छा कमबैक होगा उनका इंडस्ट्री में, क्योंकि वो मूवी को दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे स्केल पर, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ में बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे नीचे कमेंट में आप लोग बताओ कि आप लोगों को किसका इंतज़ार है, भाई ट्रेलर आना चाहिए या टीज़र आना चाहिए अक्षय कुमार की इस मूवी का, यानी कि खेल खेल में का। बाकी आपने तो साइड में मोशन पोस्टर देख ही लिया होगा मेकर्स ने किस तरीके से इस मूवी का दोस्तों अनाउंसमेंट किया। आगे अपडेट्स आती रहेंगी इस चैनल पर, आप लोगों को दिखती रहेंगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।